हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम गिवन है कि फ्रेड इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन एमी। 5 ईयर्स एगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 48। हाउ ओल्ड आर दे नाउ? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं और जो चीज़ें गिवन हैं उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लेट कर लेते हैं एज ऑफ एमी। देखिए, हमारे पास फ्रेड की एज क्या है? फ्रेड की एज बेसिकली वो 4 ईयर्स ओल्डर है एमी से। तो सब अगर हमें एमी की एज पता हो तो हम फ्रेड की एज तो निकाल सकते हैं ना। तो हम वही काम कर रहे हैं कि हमने एज ऑफ एमी जो है उसको एक्सपोज कर लिया है और हमने कहा है कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम फ्रेड की एज तो इजीली लिख सकते हैं कि अगर हम एज ऑफ फ्रेड की बात करें तो एमी की एज से 4 साल ओल्डर है। इसका मतलब है सिंपली हम एमी की एज में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एज ऑफ फ्रेड आ जाएगी एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि 5 ईयर्स एगो। हम आगे नहीं जाते, हम सबसे पहले 5 ईयर्स एगो की बात करते हैं। 5 ईयर्स एगो का मतलब है कि 5 साल पहले, ठीक है, कि 5 साल पहले। फिर इन दोनों की एज क्या होगी? जाहिर है कि प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करेंगे ना, यानी कि 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ईयर्स पहले की एज आ जाएगी। तो हम उसको राइट कर लेते हैं कि एज ऑफ एमी जो है दैट इज़ एक्स माइनस 5 और एज ऑफ फ्रेड जो है वो भी सिंपली हम एक्स प्लस 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 5 साल पहले वाली एज आ जाएगी, दैट इज़ एक्स माइनस 1 ईयर्स। अब हम अपनी सेकेंड स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि द सम ऑफ देयर एजेस वाज 48। लाइक 5 ईयर्स पहले जो उनकी एजेस थी उनका जो सम था दैट वाज 48। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 ईयर्स पहले वाली एजेस को सम करते हैं, लाइक एज ऑफ एमी प्लस एज ऑफ फ्रेड दैट इज इक्वल टू 48 ईयर्स। यही हमें गिवन है। हमने एक्स माइनस 5 लिखा, प्लस करेंगे एज ऑफ फ्रेड को, दैट इज एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48। हम सिंपली इसको लाइक फर्दर सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 27 ईयर्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन नंबर 1 दिस इज द एज ऑफ एमी। ठीक है, तो एमी की एज 27 ईयर्स है। अब एज ऑफ फ्रेड फाइंड आउट करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंपली आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई है आप उसको सब्सटीट्यूट करें तो एज ऑफ फ्रेड आ जाएगी आपके पास 31 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की जो प्रेजेंट एजेस हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट आर 27 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। तो उस एज प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस होते हैं हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।